भुवनेश्वर में 11,000 में करंट आने से संविदा कर्मी लाइनमैन की मौत हो गई। जेई और साथ में एसओ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस सनोटा बिजली घर ग्राम औरंगाबाद में बिजली लाइन के फॉल्ट को ठीक करने के वक्त लाइन में करंट आने से महेश चंद की मौत हो गई। गुस्साए परिवार ने सनोटा पुलिस चौकी पर जाम भी लगाया है। आपको बता दें, जाम लगाने के साथ साथ हंगामा भी किया गया। 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर ये हंगामा किया गया है। वही पूरा मामला गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के गांव औरंगाबाद का बताया जा रहा है। तो 11,000 के एक खंभे में करंट आने से संविदा कर्मी की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल जो परिवार है उसमें कोहराम है, और साथ ही साथ परिवार ने जो है अब जाम लगाया है, हंगामा किया, और इस पूरे मामले को देखते हुए सरकारी नौकरी की मांग भी परिवार द्वारा की गई है। पूरा मामला बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के गांव औरंगाबाद का बताया जा रहा है। तो 11,000 के खंभे में करंट आने की वजह से लाइनमैन की मौत हो गई, जिसके बाद जेई और एसएचओ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप भी लगाया गया है। ये हमारे यहाँ जी एक मेरी गैल का दोस्त था, वो लाइनमैन था। हम कंप्लेंट बनाने गए थे औरंगाबाद में, हमने सिट डाउन लिया उस सनोटा फीडर का, तो सनोटा फीडर पर सिट डाउन की जगह बराना फीडर का सिट डाउन दे दिया उसने। तो हमने उससे पूछा, भाई हो गया नू? हाँ हो गया। मैंने कहा भाई एक बार और देख ले। नहीं भाई, नू कह लगा भाई हो गया है, अब जाके देख लें। उसका नाम रवि कुमार है, एसएसओ की ड्यूटी करता है। तुम्हें कैसे कंफर्म हुआ कि सिट डाउन दूसरी मशीन का दिया है? वो मैंने अपने गैल के बंदे से पूछा था माँ जी के, जब उसने मशीन क्या नाम उसका हरीश तेरे हमारे जैसे साहब दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के गांव औरंगाबाद का आपको बता रहे हैं, जहां पर एक 11,000 का करंट आने से एक लाइनमैन की मौत हो गई, जिसके बाद फिलहाल जो है परिवार लगातार हंगामा कर रहा है और मांगे भी उठाई जा रही हैं। और इसी को देखते हुए फिलहाल ये पूरा मामला आपके सामने, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं।